हेलो दोस्तों, इंसान टारगेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखेंगे विशेषण और विशेष, यहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन होंगे। 45 में से देखते हैं कितने सही कर पाते हैं आप। पहला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें आपको विशेष बताना है, विशेष कौन सा है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है उपासक, ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह जो है एक जी विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भले और महान लोग उचित और सहमित व्यवहार करते हैं। इसमें बता उपयोग वाक्य में विशेषण और विशेष हैं। इसमें आपको बताता है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपके दो विशेषण हैं और दो विशेष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये गाय अधिक दूध देती है, वो तो बाकी में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? आपको बताना है विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर हो जाएगा दूध की। अधिक जो है दूध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य, मतलब पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयोग विशेषण है। यहाँ पूछा गया आपसे विशेषण है, कौन सा विशेषण है? सर्वनामी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक या परिणाम बोधक विशेषण है। प्रश्न नंबर फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको बताना है विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगामी। कौन सा हो जाएगा? आगामी हो जाएगा। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर हो जाएगा आगामी। ठीक है, प्रश्न नंबर छः पे चलते हैं। विशेष शब्द है, विशेष शब्द, विशेष जो है कौन सा शब्द है? प्रश्न नंबर छः का बताना है, ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललिता। विशेष शब्द जो कौन सा है? ललिता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से विशेष पद है, विशेष कौन सा है? इसमें उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलीमा। कलीमा जो है आपका विशेष है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में विशेष पद है, आपको बताना है कौन सा विशेष पद है, मतलब विशेषण कौन सा है, विशेषण। प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयतलोचना, ये आपका कौन सा है? विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न नंबर नौ, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपको बताना कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर नौ का, लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया, तो विशेषण बताना है कौन सा है। प्रश्न नंबर नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सुगंधित कस्तूरी के लाभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। इसमें बताना है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं आपके। प्रश्न नंबर दस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपके चार विशेषण और चार विशेष हैं। ठीक है, चार विशेषण हैं आपके और चार विशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री सांप के घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, कितने विशेषण है, कितने विशेष हैं? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताना आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार विशेषण हैं और चार विशेष हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती, बहुत क्या होता है? विशेषण होता है, कीमती जहर पाया जाता है, तो क्या चार विशेषण और चार विशेष। नेक्स्ट है आपका,
दशरथ के प्राण राम के लिए अकुल थे। इसमें बाकी में विशेषण है, मतलब विशेष है, विशेष बताना आपको इसमें। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विशेष कौन सा है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राम। दशरथ के पिता राम के लिए अनुकूल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो है विशेषण नहीं है, ये किसी का नाम है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, और रोटी मांगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भव जो है वो आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है इसमें विशेषण जो है कौन सा है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुंदरता जो है आपका विशेषण है। नेक्स्ट है, वह कृषक का व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो है वह मतलब कोई बंदा, नेक्स्ट थर्ड पार्टी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, किस भिखारी शब्द से संज्ञा की मतलब व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण, मतलब विशेष, मतलब विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वह विशेष कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है, आपको बताना है विशेषण कौन सा है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांचवी, पांचवी जो है आपका विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है, प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धीरे धीरे, यानी चलना धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो गया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुदाय बोधक, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, समुदाय बोधक। नेक्स्ट है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कालवाचक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यानी गलत है। कविता परिश्रमी मतलब ब्यूटी है, जनों से हमारी अपेक्षा है, ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, किसका अस्पताल है, सरकारी महिलाओं का, क्या हो गया इसमें विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, आपको बताना है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 7 भेद हैं। गुणवाचक के कितने भेद हैं, तो 7 भेद हैं, 7 भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, कोई भी क्रिया होती है तो उसे चलना कहते हैं, जो कुछ चीज गति गति है उसे क्रिया कहते हैं। गीला है, गीला क्या है, गुणवाचक संख्यावाचक सर्वनामी विशेषण में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक, किसी की विशेषता बताया गुणवाचक होता है। दोनों शब्द में क्या है, दोनों में क्या है, समुदाय अव्यक्तिवाचक गणनावाचक क्रमवाचक। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समुदाय वाचक विशेषण है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष है, आपको बताना है कौन सा विशेष है प्रश्न नंबर 28 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकाश। आकाश जो है विशेष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, यहाँ पूछा विशेषण कौन सा है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अजित जो है वो आपका विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, यह पूछा विशेषण कौन नहीं है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर जो है वो आपका विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है आपका विशेषण शब्द का चयन कीजिए, अब यहाँ पर आपको बताना है विशेषण कौन सा है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पांचवा। प्रश्न नंबर 31 का विशेषण सबका चयन कीजिए, पांचवा जो है आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋषि संज्ञा में विशेषण शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्स। ऋषि संज्ञा में विशेषण शब्द क्या होगा, तो आर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भय जो है वो आपका विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेधावी जो है वो आपका विशेषण है। नेक्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, आपको बताना है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक। साड़ी नीली क्या है, गुणवाचक बता रहा है। नेक्स्ट है, वह घर छोटा आदमी है, छोटा आदमी, बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण कौन से पद हैं, आपको ही बताना। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर बताना आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर आदमी वस्त्र। ये क्या है सर, ये आपका विशेष है। नेक्स्ट है, विशेष शब्द है कौन सा शब्द है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सीता राम, ये कौन है विशेष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष और विशेषण युग्म में एक गलत है, आपका कौन सा गलत है इसमें, ये बताना। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सर्व सुलभ, ये आपका गलत है। ताजी रोटी ये सही है आपका, भाव वील सही है आपका, कर्निष्ठ सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वह बहुत थक गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेष पद है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक। मीठा अमरूद, मीठा फल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें गुणवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है, तुम कहाँ पढ़ते हो और किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इनमें तुम कहाँ पढ़ते हो, कौन सी कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है इसमें। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक। तुम कहाँ रहते हो, किसी से कोई प्रश्न करना तो प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ज्ञा विधि, संज्ञा विधि से आपका इसका लोभी का विशेषण है। प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है,
आपको बताना है विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण, ये आपका विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, इनसे मतलब इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर बताना आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रात। दोस्तों अगर ऐसी चैप्टर वाइज आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।